बिस्मिल्लाह रहमान रहीम खेत पंजाब दे प्रोग्राम दे नाल तुहाडा मेज़बान सईद मुगल। दुनिया ते जिंदगी दा आगाज़ यकीनन दो चीज़ां नाल मशरूत सी, नंबर एक पानी दी मौजूदगी और नंबर दो ऑक्सीजन। और अज भी साइंसदान जिहड़े ने तहकीक कर रहे ने कि किसी होर स्यारे दे उत्ते भी ये दो चीज़ां पाईआं जांदियां ने, और अगर ये दोवें चीज़ां पाईआं जांदियां ने तो यकीनन उत्थे जिंदगी दा आगाज़ हो सकता है। पाकिस्तान और पूरी दुनिया जो भी असं गल करिए तो पौद्या की अहमियत तो कभी इनकार नहीं किया जा सकता, और पौधे साड़ी जिंदगी वास्ते किन्ने अहम ने ये यकीनन पहली जमात तो लग के पीएचडी और मरण तक इन की अहमियत तो इनकार नहीं किया जा सकता। हर साल साल दे विच दो दफा शजरकारी मुहिम जी मनाई जाती है, मतलब ये कि असी ऑक्सीजन पैदा करने वाले जड़े दरख्त ने उन्होंने लगाइए, क्योंकि कुदरती तौर पर जड़ी ऑक्सीजन फिजा दे विच हवा दे विच मुअल्लक है वह घटे ना। और मैं पिछले दिन एक पढ़िया सा आर्टिकल उहदे च लिखा होया सी कि एक बंदा किन्नी ऑक्सीजन पर डे कंज्यूम करता है, और अज चुके जदों असी हस्पतालां च वेंदे आ जाके ऑक्सीजन लगाई हुंदी है तो ऑक्सीजन की कीमत कढ के उन्हें कैलकुलेट किया, महीना साल 10 साल 20 साल 50 साल, तो जदों उन्हें कैलकुलेट करके दसिया उन्हें कहा जी 50 साल च एक बंदा पता नहीं को करोड़ 1.5 करोड़ रुपए की तो सिर्फ ऑक्सीजन जड़ा वो इनहेल करता है। अगर ये सानू नियमित मुल लैके इस्तेमाल करनी पै जाए तो कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यकीनन जिंदगी दी पहली जिहड़ी साड़ी जरूरत है ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन जिहड़ी है पौद्यां तों हासिल हुंदी है, ना सिर्फ पौद्यां तों बल्कि समुंदर दे विच पाई जाण वाली जिहड़ियां फंजाई ने जिहड़े एलगी ने वह बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की प्रोडक्शन दे विच रोल प्ले करदियां ने। अज दा साडा प्रोग्राम जिहड़ा शजरकारी मुहिम दे उत्ते वी मैं बहुत शुक्रिया अदा करांगा तशरीफ आवरी दे उत्ते जनाब सैयद मुहम्मद जकरिया शाह साहब दा, एग्जैक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एग्रीकल्चर ने लाहौर दे, और बहुत शुक्रिया अदा करांगे असी अब्दुल जब्बार साहब दा, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर ने लाहौर दे, दोनों साहबान तशरीफ लियाए जी। शाह जी मैं अर्ज कर रहा सां कि पौद्यां दी अहमियत और इंपैक्ट अगर गल की जाए देखते हुए कि यकीनन सानू ऑक्सीजन मिलती है, दूसरी चीज़ साढ़े जिहड़ा एनवायरमेंट की पोल्यूशन है उन्हें घटाते हैं, तीसरी चीज़ साड़ी जिहड़े टैंपरेचर ने उन्हें रेगुलेट करते हैं, और ये सारिया गल्लां मैं अपने वेखण वाले वास्ते चंद होर गल्लां जनाब कोलों सुनना चाहवांगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब तो पहले तो मुगल साहब मैं तुहाडा पंजाब टीवी का ममनून और मशकूर हाँ कि तुसी हालात हाजरा दे एग्रीकल्चर दे परस्पेक्टिव दे नाल जिहड़े इंपॉर्टेंट मौजूआत हुंदे ने उन्हां दे इंतखाब करदे हो, फिर सानूं वी तुसी दावत दिंदे हो ताकि असीं अपने जिहड़े ख्यालात दा इजहार कर सकीए। अज दा भी माशाल्लाह तुसी बड़ा खूबसूरत और अहमियत दा हमल टॉपिक, अहमियत दा हमल इस गल्लों इहदी जरूरत और अहमियत होर वधदी है कि जदों साडे रिसोर्सिज डिप्लीट हो रहे हैं जी जी, असीं ऑलरेडी दुनिया दे नाल कंपेयर करिए तो साडा कंपैरिजन इंज कह लो कि बनता ही नहीं, ठीक है, तो वह रिसोर्स साढ़े मजीद डिप्लीट हो रहे हो इस किस्म की कंपेन की अहमियत होर बढ़ जाती है, और इस साड़ी गुफ्तगू की भी जी जी। मैं थोड़ा जा बेसिक जड़ियाँ ने चूंकि मैं मेरा तालुक सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर के नाल असी फोकस भी इत ही करांगे जी प्लीज, तो जनाब ने तो बड़ी खूबसूरती पूरी दुनिया का और एक परसपैक्टिव दसिया, असी फोकस करांगे सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर ते जी प्लीज। मैं थोड़ी जी स्टैटिस्टिक्स दसा, अगर 4,40,000 का टोटल आलमोस्ट यदा रकबा जो 50% 50.69 2,23,000 का रकबा जरा ना ये अंडर कल्टीवेशन आदेशों सिर्फ और सिर्फ बदकिस्मती नाल या बाई चांस क्या जाए कि साड़ी नायली एक कमी या कोताही है, सानू इतराफ करना चाहिए बहसी दे कौम बहसी दे मुल्क दे कि उदेशों सिर्फ कोई 2,500 के करीब जरा रकबा वो अंडर फॉरेस्ट है, 2,000 खुशकिस्मती थोड़ा जा पहलू जी एक लाइट नजर आती है ना जी, वो ये है कि नर्सरीज का भी इतने कोई 4,450,000 एकड़ रकबा अंडर नर्सरीज है,
ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਰਸਰੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨਰਸਰੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨਰਸਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ DCO ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਲਈ ਬੜੀ ਇਨਕਲਾਈਂਡ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਵਾਇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਚੰਦ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਇਕੋਲੋਜੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਇਕਲਿਬ੍ਰਿਅਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੁਛ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਲੂਦਗੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰੈਸਟ ਦੀ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਫਲੋਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹਾਂਜੀ ਇੰਪੈਕਟਸ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਮਾਇਸਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸਾਡਾ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਅਗਰ ਰੇਨਫਾਲ ਕੰਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਰੇਨਫਾਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਐਵਰੇਜ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਅਸਥੈਟਿਕ ਸੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਉਹ ਵੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਖੂਬ